हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे मुंबई के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में आज आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। दरअसल मराठी अखबार सामना में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में अभद्र भाषा में टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में आज शनिवार शाम को कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद स्मारक नित्यानंद होटल के सामने प्रार्थना समाज गिरगांव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध में नारेबाजी करते हुए सामना अखबार की प्रति को जलाया गया। उसके बाद मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने संजय राउत के विरोध में बोलते हुए कहा कि सामना अखबार ने अपनी पूरी मर्यादा को ताक पर रखकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, जो कि काफी गलत। लोढ़ा ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को माफी मांगने के लिए भी कहा। संजय राउत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। संजय राउत चोर है, यह कहते हुए उनकी जमानत रद्द हो इसकी भी मांग की गई। लोढ़ा ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि हम संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उनकी जमानत रद्द करने की मांग करते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में विनय अंतकर, अजय चौरसिया, अनिल कांबले, सनीश सानप, उदय लाड़, भरत दर्जी, विपिन परमार, मोहन पोटे, गणपत लाल खिडोरी, सचिन सेलार, हीरा लाल मेहता, चंदन भंसाली, धानेश काटेकर, धीरू दोषी, हेमंत ठुकरल और महिला मोर्चा की रचना सिरसाट लीना शर्मा, भाविका सालवी, कोमल सकपाल, छाया चौधरी, ज्योति खेड़कर, सीता चौरसिया, शीतल वारन, लक्ष्मी महाजिक, रेवती, अन्या भारती समेत सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे और इस विरोध प्रदर्शन में जमकर सामना अखबार और संपादक संजय राउत के खिलाफ नारेबाजी की। इस तरह से संजय राउत ने सामना के अंदर महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले माननीय देवेंद्र जी के बारे में जो अपशब्द उपयोग किए हैं, ये सारी सीमाओं को तोड़कर है, संसदीय भाषा को छोड़कर है और यह जिनके इशारे पर यह सब किया गया है वो उद्धव ठाकरे जी भी इसकी जिम्मेदारी आगे आकर स्वीकार करें और जब तक संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता ही आंदोलन करती रही। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से सुरेश पाड़ी की रिपोर्ट।